नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टाइल फिक्सिंग पंजाब में। दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो फ्रंट एलिवेशन है उसे लगाने के लिए हम शुरुआत कैसे करें, और उसके लिए हम जो हैं ऊपर से नापेंगे इसको फीते की मदद से। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि फीता हमारा जो है पूरा छत के साथ टच हो गया है ऊपर, तो उसी के साथ हम जो है नीचे देखेंगे फीते की तरफ हम आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, आप देखेंगे ऊपर से हमने नीचे को उसका नापा है ताकि ऊपर की जो टाइल है पूरी पूरी मतलब टॉप जो है पूरा आए। तो 9 फुट देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो हमने निशान 9 फुट पर नहीं लगाना है। हमने जो टाइल की गिनती है एमएम की गिनती है, जो उसके हिसाब से 2700 एमएम जो बन रहा है यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम। यहाँ पे हमारी ऊपर से 9 टाइलें यहाँ तक पूरी आ रही हैं, जबकि 9 फुट यहाँ पर है, तो हमने 9 फुट यहाँ पर निशान नहीं लगाया है। अगर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि इतना गैप ऊपर जो है टॉप पे आ जाएगा। इसीलिए हमने एमएम के हिसाब से, जो एमएम टाइल एमएम में आती है, एमएम के हिसाब से 9 फुट जो है यहाँ पर बन रहा है एमएम के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर जो है निशान लगा लिया है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइल की शुरुआत करेंगे उसको साहुल और लेवल करके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं और भी लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आल पे जरूर क्लिक करें दोस्तों। तो दोस्तों जो है ऊपर से 9 टाइलों का नाप लेने के बाद जो है हम ये साइड चेक कर लेंगे कि ये साउल में है या नहीं। तो हमने जो है पहले पट्टी लगा कर उस पर लेवर रख के हमने देखा है कि ये जो है इस साइड की जो धार है, कोर है जो है, ये पूरी साहुल में है। तो हम यहीं से टाइल की शुरुआत करेंगे, इसको एक्यूरेट यहाँ से लेकर ऊपर को चलेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक साहुल और लेवल दोनों इसी में हो रहा है। तो इसी प्रकार हम जो है फर्स्ट टाइल की शुरुआत यहाँ से ऐसे कर देंगे बस। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बिजली का पॉइंट आ गया है, तो कुछ लोगों को जो है बिजली के पॉइंट का निशान लगाने का नहीं आता है, तो हम उसके लिए इसको टाइल को पहले ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये 2 निशान ऐसे में लेने के बाद उसके बाद हम इसको ऐसे सीध में लगाएंगे, तो ऐसे बराबर करके, तो उसके बाद हम ऊपर से ऐसे 2 निशान ले लेंगे। तो उसके बाद निशान को हम पीछे की साइड उतार लेंगे ऐसे, तो ये चारों साइड के जो है निशान हमें मिल चुके हैं।
इसके बाद दोस्तों आपके पास गुनिया होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने ऐसे ऐसे में रख के इधर का निशान लगा लिया है और ऐसे में रख के ऊपर का भी निशान लगा लिया है। तो अभी इसको हम जो है सीधा गुनिये में इसको लाइन मारेंगे, यहाँ पे डिब्बी बन जाएगी हमारी। जैसे कि दोस्तों देखेंगे गुनिये के हिसाब से हम इसकी लाइन मारेंगे सीधी, वैसे दो लाइन इधर को और दो ही इधर को थी। हमने जैसे ही इसको लाइन मारा तो ये स्क्वायर जो है ये डिब्बी बन के आ गई है। अब हम इसे काटेंगे तो देखेंगे ये पूरी पूरी यहाँ पर फिट आने वाली है। तो ये हमारा देसी नुक्ता है इस तरह से निशान लगाने का, तो इसे ज़रूर आजमाएं दोस्तों आप। हमारा सेंटर कट के तैयार हो चुका है और ये देखते हैं इसे, तो ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर ये पूरा पूरा फिट आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है प्लेट आएगी, दूसरी स्विच वाली प्लेट इसके जो है ऊपर आ जाएगी। तो चलिए हम इसे फिट कर देते हैं।
ये टाइलें जो है सीधी सीधी लगाने के बाद इधर की टाल और इधर की और आगे की कैसे लगानी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप टाइल देख रहे हैं सीधी है, जैसे ये टाइल सीधी लगी है ऐसे हमने इस टाइल को सीधा पकड़ा है, तो इस साइड को ये वाली साइड की जरूरत है टाइल के। अगर आप इस साइड टाइल लगाएंगे तो इस वाले पीस की जो है इधर जरूरत है, तो हम इस वाले पीस को जो है यहाँ से कट करके यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि बाकी का पीस जो है इतना है जो वो वेस्ट जाएगा, तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला है दोस्तों। जैसे कि हमने इस साइड टाइल लगाई थी, टाइल को राइट साइड से कटिंग करके हमने यहाँ पे टाइल लगाई थी, और इसका लेफ्ट वाला साइड जो हमारे पास ये अभी पूरा बचा है, तो इसको हम जो है आगे एडजस्ट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इसको उसको कटिंग करेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों इसी का ही डिजाइन जो है हम यहाँ पे इसको घुमा देंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये टाइल जो है पहले हमने यहाँ पर ऐसे कट की थी, तो इसी का डिजाइन हमने इन साइड जो है घुमा दिया है। तो इसका हम निशान लगा लेंगे ऐसे, इसका हमने निशान लगा लिया है, तो ये इतना पीस कट करके यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा और हमारा डिजाइन भी नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जैसे कि हम ये टाइल लगा रहे हैं, जैसे ये टाइल सीधी लगी है ऐसे ही ये टाइल भी है, तो इस साइड को जो है ये वाला हिस्सा चाहिए, राइट साइड वाला जो टाइल मेरे हाथ में है इसका राइट हिस्सा जो है काट के हम इस साइड लगा देंगे। उसके बाद बचा हमारे पास ये लेफ्ट वाला हिस्सा, तो लेफ्ट वाले हिस्से को हम इधर यूज करेंगे, यहाँ पर ऐसे उसको पूरा घुमा देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आप भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसा करने के बाद जो है हमारे पास एक पीस में से कितना वेस्ट जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, कि जैसे ही हमने वो पीछे वाली टाइम का जो है नाप लिया था, यहाँ पर उसको सीधा करने के बाद एक टाइल में से हमारी ये सिर्फ इतनी वेस्टेज ही बच रही है। इसको सीधा करने के बावजूद हमारी जो है इतनी ही वेस्टेज जो है कि बच रही है। तो अभी तो अगर वीडियो मेरे समझाने में आपको पूरा समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो का जो है कम्प्लीटली एक शॉर्ट मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसी वीडियो में, उसके आगे की वीडियो भी हम शुरू करेंगे। तो इस प्रकार देखिए आप, कहीं डिजाइन भी नहीं कट रहा है, डिजाइन भी नहीं कट रहा है और टाइल वेस्ट भी नहीं हो रही है। हमने एक ही टाइल को